मास ऑफ 40 केजी इज अट्रैक्टेड बाय अ मास ऑफ 25 केजी लाइंग एट अ डिस्टेंस 2 मीटर। चलो बना भी लेते हैं फोटोग्राफ, मतलब एक मास ये है, दूसरा मास ये है, और ये 40 केजी है, ये 25 केजी है, ये दोनों 2 मीटर पे हैं, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दे दिया गया 1.67 × 10⁻¹⁸। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जी को ही आइसोलेट कर लेते हैं यहां पर, ऐसा जी हो रहा है। एफ आपको दिया है 1.67 × 10⁻¹। आर दिया गया है 2 और एम है 40 × 25। 40 × 25 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, दिस इज 1.67 × 4 कर देंगे यहाँ पे 10⁻¹। ये कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए क्योंकि ये 1000 बन जाता है, 1000 यानी कि 10³ और 1.67 × 4 हो जाता है 6.68। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻¹⁰। तो जी की जो वैल्यू होती है लगभग वही वैल्यू आ गई है, हम लोग 6.67 पढ़ते हैं, पर इस क्वेश्चन या इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 6.68 × 10⁻¹⁰ हमारा आंसर हो रहा है।